गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का पहला चैप्टर लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू होती है आपकी बच्चों, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन। क्या होती है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन। डिपेंड करती है पोजीशन पर, डिपेंड करती है। जैसे आप लोग एक चार्ट के से देखिए कैसे आप इसे समझते हैं, तो ये होता है आपका वन, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ये होता है आपका वन, ये होता है आपका टेंस, ये होता है आपका हंड्रेड और ये होता है आपका थाउजेंड। बच्चों देखिए इधर, यहाँ पे वंस में क्या होता है, वन होता है, टेंस में टेन, हंड्रेड में हंड्रेड और थाउजेंड में क्या हो जाता है आपका थाउजेंड। ठीक है, जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। वंस में होता है वन, टेंस में टेन, हंड्रेड में हंड्रेड, थाउजेंड में थाउजेंड। कोई भी चीज़ हमें जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा है आपका जैसे आप अपनी बुक में देख रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, वो नंबर आपका क्या ले लिए, 2, 8, 6, 5 ये लिखा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, पुट द प्लेस, अगर हमको इसको पुट करना रहता है तो हम इसको राइट हैंड साइड से पुट करते हैं। जैसे ये हो गया आपका वंस की जगह पर, ये हो गया आपका टेंस की जगह पर, ये हो गया हंड्रेड की जगह पर और ये हो गया थाउजेंड की जगह पर। बट अगर हम इसे रीड करते हैं, व्हेन वी रीड एंड राइट टू लेफ्ट हैंड साइड, कैसे, 2865। ठीक है, तो इसको हम पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ से, लेकिन रीड एंड राइट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, 2865। ओके, जैसे आप अपनी बुक में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया है वो आपका क्या दिया है, राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। यहाँ पर एक नंबर आपको दिया है और उसको बताना है कि ये आपका कैसे लिखा जाएगा, इसमें न्यूमरल्स में। तो देखिए आपका कैसे लिखेंगे हम लोग, ये आपका नंबर दिया है 5, 5, 0, 6,
4200 ये आपका नंबर दिया है और इसको आपको लिखना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग को ये टेबल बनानी पड़ेगी। बना लिया टेबल। अब देखिए टेबल में हमको पहले वो नंबर्स को सारे लिखने पड़ेंगे। क्या है हमारा अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर आपका 1000, ठीक है, फिर आपका 10,000, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका लैख, फिर आपका 10 लाख, और उसके बाद आएगा आपका करोड़, और फिर आपका क्या आएगा आपका 10 करोड़, ठीक है। अभी हमने बताया कि जब हमको वैल्यू पुट करनी रहती है तो हम लोग कहाँ से करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 2, ये 4, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर आपका 0, और फिर ये आपका 5, और ये आपका 5, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमको इसको लिखना है, लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब राइट कैसे करते हैं, उधर से पढ़ते हैं ना हम लोग। तो ये हो जाएगा 55 करोड़ 6 लाख, फिर 42,000, बस यहाँ पे क्योंकि क्या है 0,0 है तो 0,0 को तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा 55 करोड़ 6 लाख 42,000। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको वर्ड्स में लिखना है। फिफ्टी फाइव करोड़ सबसे पहले काम हम लोग ने क्या किया था, ये टेबल बनाया था। टेबल बनाने के बाद इसको रखते कहाँ से हैं, इस साइड से रखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से। तो ये हो गया 0 फिर 0 फिर 0, ये 2 4 6 0 5 और 5। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये करोड़ के ये दोनों ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 करोड़। फिर देखिए 0 है तो यहाँ पे तो हम कुछ लेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लैक की जगह पे क्या है 6, तो 6 लैक, फिर यहाँ पे 42,000। ओके, बात समझ में आई आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या कहता है देखिए, तो बोल रहा है कि 2, 2, 0, 2, 0, 2, फिर है आपका 200, ये दिया है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम लोग इस ब्लॉक में रखेंगे, तो ब्लॉक में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए हम लोग इसको इस साइड से पुट करते हैं 0 0 2 फिर 2 0 2 0, और ये आपका आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पढ़ते किस साइड से हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर ये 2 कहाँ पे आया है, करोड़ की जगह पे आया है, तो क्या हो जाएगा 2 करोड़। फिर देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, तो 0 तो हम लोग लेते नहीं, फिर यहाँ पे 2 आया तो कितना हो जाएगा 2 लाख,
क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो नहीं लेंगे, 2000 आपका इस तरह होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ने कैसे लिखा, 2,02,02,200। ओके, समझ में आई बात। तो फर्स्ट वाले में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आपको इसी तरह से ब्लॉक बनाने हैं पहले, फिर ब्लॉक में ही नंबर पुट करने हैं, उसके बाद आप देखेंगे कौन सा डिजिट कहाँ पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको लिखना है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट द नंबर न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन में आपका दिया है 77,77,853। अब देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने के बाद देखिए इसमें आपको पुट करना है इस वैल्यू को, हम लोग पढ़ते इधर से थे ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 77 कहाँ ये किसमें है आपका, लेफ्ट में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 77 हो गया। फिर आपसे क्या कह रहा है 77,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 77,000। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 855, ये 8 कहाँ पे है, 100 की जगह पे है, ये 55 हो गया ना। अब हम इसको पुट कर देंगे, लिखेंगे कैसे 77, फिर यहाँ पे इसके बाद देखिए कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे ये 77, फिर यहाँ पे ये कॉमा लगेगा और ये हो जाएगा आपका 850। ओके, आई बात समझ में। इसी तरह इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 3,10,10,010। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने के बाद उसमें हम इसको पुट करेंगे, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, थ्री करोड़ 10,10,010। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, करोड़ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,00,000, फिर है आपका 10,00,000, 10,00,000 हो गया आपका। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, 10,000, 10,000 है आपका, यू गेट 10,000। 10,000 के बाद क्या कह रहा है आपसे कि 100, 10,000 कितना कह रहा है 10, तो 100 की जगह पे कुछ नहीं दिया तो क्या लिख देंगे 0। अब 10 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 10, तो ये आपका क्या निकल के आया 3 कॉमा, फिर लैक वाले में कितना है 10 है, फिर देखिए 1000 में कितना है 10 है, और फिर 100,010। ओके, इस तरह से आपको इसको लिखना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं बच्चों, ये आपको होमवर्क में करना है, या ये एक्सरसाइज आपको दी जा रही है। यहाँ पे देखिए ये आपको बुक में ये जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसको आपको होमवर्क में करके दिखाना है हमें सारे क्वेश्चंस, इसको आप देख लीजिएगा और करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।